आप दोनों भाई कार्टून देख रहे हो हैं? हाँ। मामा किधर है? मामा पता नहीं। नहीं पता? अच्छा मैं पता हूँ। आप इधर अंधेरे में बैठी हो? वैसे दिल कर रहा था। क्या? ऐसे दिल बड़ा बोर बोर हो रहा था। क्या बना कह तो है? वैसे मैंने कभी वीडियो नहीं बनानी, मैं तो कैमरा ऑन करके फिरता हूँ। हाय, वीडियो क्या बनानी है, दिल ही नहीं कर रहा सच्ची। मेरा 3 दिन से ना दिल बड़ा उदास है। क्या बना बताओ तो सही। अब्बू बड़े याद आ रहे थे। तो फिर अभी तक कमरे में पंखा बंद करके वो भी दिल नहीं कर रहा। ऐसे ना हाथ ऐसे ठंडे और अजीब सी तबीयत हो रही थी। बस अब आप लड़की थोड़े हो जो मैं आपको बताऊं। क्या बना आप तो रो भी रही हो। नहीं रो नहीं रही। फिर भी क्या बोझ बन गया है? वैसे ही फिर पहले भी होते थे ना हम, मतलब अब्बू होते थे, हम हर ईद पे ना वो हमें ईदी देते थे। मतलब मुझे दी है ना तो कहना दूसरों को नहीं बताना, उनको भी दे लेते थे। जब हम ईद के बाद मिल के बैठते थे ना तो हम कहते थे अब्बू ने इस बार मुझे ही दी दी है। वो दूसरे कहते थे मुझे भी दी है, मुझे भी दी है। वो फिर हम हैरान होते थे कि सबको दे के कहते हैं एक दूसरे को ना बताना। मतलब हमें अपना वो अहमियत दिलाते थे कि भाई तुम मेरे लिए अहम हो सबसे। लेकिन फिर बेटियां तो सारी बराबर होती हैं। बस फिर मुझे याद आ रहे हैं इस ईद पे ना बहुत ज्यादा। मैं इसलिए आपसे अकेली बैठी थी, ऐसे मेरा दिल कर रहा था, आपने आके मुझे रुला दिया। आप क्या कहने आए थे? मैं तो वैसे पूछने आया था, मैंने कहा पता नहीं किधर गई है, जरूरी से पूछा तो वो कह रहे हैं इधर नहीं है। वही ना, हर ईद पे हमें ईदी देते थे, एक को देख के देते थे, दूसरी को देख के कहते थे कि भाई इसको ना बताना, भाई सबको दे लेनी। और जब हम मिल बैठती थी ना तब हमें पता लगता था कि सबको दी है। लेकिन अब पता लगा कि भाई वो ना हर एक की वो दिखाते थे कि भाई अहमियत बताते थे। उस वक्त नहीं, उस वक्त गुस्सा आता था कि देखो मुझे भी दे ली और मुझे साथ ये भी कह दिया कि बताना नहीं। और अब पता लगता है कि भाई अब आपको मैं क्या बताऊं। आप छाप जाओ ना, मैंने बात करनी। चलो फिर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस उदास हो गई थी, आपको बताया है। मुझसे नहीं बात हो रही, मैं कैसे आप लोगों से बात करूँ। मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनकी कब्र कुशादा करे। तो उनको बिछड़े हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। शादी से पहले, मेरी शादी से पहले तक उनकी 1.5 साल पहले डेथ हो गई थी। बस सडनली हुई है, हमें उनकी खिदमत का मौका भी नहीं मिला। बस ये भी दुख है, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला बेहतर करते हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला आगे उनके लिए आसानियाँ फरमाए, हम दुआ करते हैं उनके लिए। और हर ईद पे मुझे वो बहुत याद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जो बेटियाँ हैं उनको लाजमी पता होगा। अच्छा बस करो, आप तो सच। अच्छा बस करो। ये उतना गहरी बात है। अच्छा आप तो खलखल करो हैं हाँ जी, बस मैं साफ कर लूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहना है कि आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती।
तो बस एक ये याद के आंसू है तो के आती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। जी और कुछ नहीं बस एक क्या मैं कहूँ, मुझे नहीं आता, आप बोलो मेरी जगह आज आप बोलो। अच्छा बस आप एंड कर दो बस, ठीक है, सभी के लिए दुआ करो बस, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। ईदों पे ना सभी लोग याद आते हैं ये मुझे कहते हैं एंड कर दो चलो बस तो जी एंड करो करते हैं तो ये मोबाइल पकड़ो ना असल में ना मैंने एक वीडियो देखी उसमें बंद करो ना एक दफा रिकॉर्डिंग। अच्छा बंद करता हाँ हूँ, मुझसे नहीं बंद बोला जा काट रहा लूंगा, बात। काट लूंगा। अच्छा जी तो मैं अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ ना, इन्होंने आके मुझे छेड़ दिया, मैं बड़ी दुखी बैठी थी तो कहते हैं ना अकेले बैठ के ना थोड़ा सा सैड हो गई थी और मैं सारा दिन मसरूफ रही, फिर शाम को थोड़ा सा ना फारिग बैठी थी तो एक वीडियो देख रही थी, उसमें फादर है ना वो काम करके ना चाय के साथ रोटी खा रहा तो जी तो मुझसे बोला नहीं जा रहा तो मैं पहले मुंह धो लूँ थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊंगी। जी जनाब तो मैं रिलैक्स हो गई, मैंने थोड़ा सा मुंह धो लिया है और काफ़ी अब रिलैक्स फील कर रही हूँ। एक तो मैंने रो धो भी लिया है और याद भी कर लिया है, तो याद करके बहुत दिल को सुकून हुआ है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के वालदैन को सलामत रखे। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेर ख्याल रखिए। मैंने बस ये अपना थोड़ा सा दुख था मुझे जो आप लोगों के सामने आते ही शेयर हो गया और फिर कुछ मुझे दूसरों ने दुखी कर दिया पूछ के कि हुआ क्या हुआ है। क्या है, तो असल में ना जख्मों चलो में कोई नहीं, अब ना नॉर्मल हो जाओ, अब जख्म जख्म नॉर्मल हो पहले जाओ होते हैं, ऊपर से आके वो पूछते हैं अच्छा खोया कि ये तो वैसे बताओ, ये तो होता फिर है जाता कि है। जब बंदा हाँ किसी को कोई दुख शोक होता है तो वो रो ले ना तो वो सेट हाँ हो जाता है, तो अब हाँ माशाल्लाह जी से आप कुछ ना कुछ सेट हो रही हो हाँ, ना, मैं ना बस ये रो जिंदगी रो ऐसी के ना चलती दिल रहती की भड़ास निकाल ली, और कहते हैं ना भड़ास निकाल ली है, तो अब है मैं काफी वो फील कर रही हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। तो मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, जो इस तरह के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं उनसे दूर रहिए। आ गया, आ तो गया छुप औकात के में, मजा आ हाँ छुप के गया बैठिए और छुप के बैठ के दुख हल्का कर लिए, नहीं तो कोई आके पूछ लेगा होया कि ये, तो चलो जी शुरू हो जाओ। तो इन्होंने मुझे शुरू किया, मैं पक्की होके बैठी थी। अल्लाह तो इजाजत मांगती हूँ, इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।